संस्थाएं जो काम करती हैं अपने तरीके से जो पैसा इकट्ठा करके अच्छी जगहों पे लगाती हैं, कैंसर फाउंडेशन एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम कभी जानते भी नहीं हैं। आप कभी आइए कैंसर फाउंडेशन पे आके एक विजिट कीजिए, आप शॉक हो जाएंगे। जब आप घर पे खाना खाने बैठेंगे रात को तो आपको लगेगा कि आपने क्या किया है लाइफ में ऐसे फाउंडेशन के लिए। बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छा लगता है इनके साथ थोड़ा सा जितना भी हेल्प कर सके करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इट्स फॉर सच अ गुड कॉज एंड इट्स रियली नाइस कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है। वर्दा नडियाल वाला एज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, यहाँ पे मैं उनके इनविटेशन से आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। There are different paintings which I've done differently. I didn't know much about paintings earlier. After my friend Mr. Salman Khan started painting, started knowing something about brushes, pencils and paints. So they've done beautifully. The arts are different. There's something we've done with bells, something which we've never seen earlier also. Yeah, it's a very beautiful cause and I've been associated with this from last 1 year. A lot of my films premieres have happened for this cause. Beautiful painting, beautiful cause, and Qazi Saab is doing a beautiful job. Obviously, होता है जैसे मैंने कहा कि you know the audiences connect to celebrities. I do not know अगर मैं गलत हुई बोलने में, लेकिन after God, I think they worship celebrities. एंड उनको ऐसा लगता है कि हाँ अगर ये सेलिब्रिटी ये कर रहा है तो वाई शुड बी ऑल्सो नॉट गो हैड एंड डू इट। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम लोग यहाँ पे हैं और इस कॉज को प्रमोट कर रहे हैं तो हमारे ऑडियंसेस भी इससे कनेक्ट करके दे विल डू समथिंग। देखिए क्या है, दो तरह के फिल्म सेलिब्रिटी होते हैं, भले वो एक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, एक्ट्रेसेस हों, डायरेक्टर्स हों, एक जो दिल से काम करते हैं, दूसरा जो पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं। दिल से भी लोग अच्छे के लिए काम करते हैं, पब्लिसिटी के लिए भी अच्छे के लिए काम करते हैं। तो दिल से हो या पब्लिसिटी हो, काम तो अच्छा ही हो रहा है।